हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन में कह रहा है 12 और 42 का जो एलसीएम है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो नंबर्स का ना एलसीएम निकालना है। उस एलसीएम को इसके इक्वल टू पुट कर देंगे। तो 12 और 42 के पहले फैक्टर्स कर लेंगे। 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी 4 इंटू 3 तो 12 होता है, तो 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया इंटू 3। अब 42 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 इंटू 7, 6 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, कभी भी आपको फैक्टर्स गिवन हो इस तरह से तो चेक कीजिए यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है। एक 2 है, एक 3 और एक 7, तीन प्राइम फैक्टर्स यहां पे अवेलेबल हैं। तीनों को यहां पे नोट करें। अब इन तीनों फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर चेक करें, जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वो यहां पे लिखी जाएंगी। एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर लिखी जाती हैं। तो यहां पे 2 में अगर चेक करूं मैं, 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो यहां पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 में चेक करेंगे तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, यानी 3 लिखा जाएगा। 7 में भी 7 की पावर 1 है, तो ये ऐसे ही आएगा। अब इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 12, 12 7 जा 84, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ गया 84। क्वेश्चन में कह रहा है इन दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। अब इसको इक्वेट करेंगे 84 के साथ, यानी 10m प्लस 4 इक्वल टू 84, प्लस 4 वहां जाके हो जाएगा माइनस, 84 माइनस 4 हो जाएगा 80। अब यहां से इसको कट कर देंगे, 10 8 जा 80, सो m की वैल्यू आ गई 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर।